अमेजन पे क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का और वीडियो केवाईसी कैसे कंप्लीट होगा, सारे डिटेल जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं कि अमेजन पे क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करें और क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसमें जरूरत है अप्लाई करने में, तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में। तो देखिए मैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ, अभी मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि अमेजन का क्रेडिट कार्ड जो है उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले अभी अमेजन का एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसे क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इससे यहाँ पे थ्री लाइनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अमेजन पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अमेजन पे बैलेंस, अमेजन पे लेटर और यहाँ पे अमेजन पे UPI और यहाँ पे देखिए अमेजन पे ICSA क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स खुल के आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लव्ड बाई 2 मिलियन इंडियंस और यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड कैशबैक, 3% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा आपको, ऑलवेज ऑन, नो कॉस्ट EMI, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है ये। यू कुड हैव सेव अप टू 5000 इन अ लास्ट 12 मंथ, इट टेक जस्ट 2 मिनट्स, कम्प्लीट योर अप्लीकेशन नाउ, वेलकम ऑफर, अप्लाई नाउ एंड गेट रिवॉर्ड्स वर्थ 600। मतलब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और आपका सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा आपको 600 रुपये का यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा या कैशबैक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, क्लिक बिलो टू कम्प्लीट योर एप्लीकेशन। नोट, यहाँ पे लिखा हुआ नोट, यू विल रीडायरेक्ट टू ICICI बैंक वेबसाइट इन अ ब्राउजर विंडो। तो यहाँ पे मैं कम्प्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ बाय क्लिकिंग अबव यू एग्री टू द कार्ड TNC कार्ड TNC एंड विल बी रीडायरेक्टेड टू ICICI बैंक साइट। और नीचे यहाँ पे जो है कस्टमर स्पीक्स डिटेल्स दिया हुआ है, एंजॉय अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरी यूज, 1 reward point = 1 rupees added directly to your Amazon Pay balance every month। जैसे ही आपका जो है बिल जनरेट होगा उसी में आपका जो है Amazon Pay के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल शॉपिंग 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स, 2% जो है कहीं भी रिचार्ज वगैरह में सारा में मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे 1% जो है पेमेंट एट शॉप एंड रिटेल स्टोर और फ्यूल में भी आपको मिल जाएगा। नो कॉम्प्लिकेटेड मैच, जस्ट सिंपल ग्रेट रिवॉर्ड्स, यहाँ बहुत सारा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया हुआ है, आप इसे जो है देख सकते हैं और अच्छे से यूज करेंगे तो काफी अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है Amazon Pay क्रेडिट कार्ड में। तो ये सारा यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है, तो मैं अभी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ उसका जो है और इसे अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक विंडो खुल के आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अप टू 5% रिवॉर्ड पॉइंट लाइफ टाइम फ्री कार्ड नो एनुअल चार्ज, प्लीज इंटर योर आधार एंड पैन डिटेल्स। यहाँ पे आधार नंबर को इंटर कर लेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर लेंगे और यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे दोनों को चेकआउट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं भी इसे फिल कर लेता हूं, तो मैंने पैन और आधार को इंटर कर लिया है। अब यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है और यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो एक और विंडो खुल के आ गया है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल्स जो है नेम और डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल होके आ जाएगा और जेंडर जो है पहले से फिल होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, मदर्स मिडिल नेम और फैमिली रेफरेंस नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है डिटेल सारा फिल कर दिया है। अभी कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है बैंक्स यूज ओनली ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। अगर बैंक के द्वारा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक वाला डालेंगे, अगर आप खुद से करते हैं यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मत डालें। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है एड्रेस डिटेल्स है और यहाँ पे एड्रेस एज़ पर योर आधार ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे इज़ द अबव एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस, तो मैंने नो कर दिया। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस फिल कर लिया है, आप भी यहाँ पे से जो है एड्रेस फिल कर ले अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को चेकआउट कर दे और यहाँ पे मैंने चेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम वगैरह अगर कोई है तो दे दे, जैसे कोई वर्क करते हैं आप या सैलरीड है तो आपका अपना कंपनी का नाम डाले, सैम्प एम्प्लॉयड है तो कोई फंड का नाम है तो उसका नाम डाल दें। यहाँ पे जहाँ लिखा हो कंपनी नेम तो यहाँ पे डालना है होगा, ठीक है, या फिर आप अपने नाम से को ही डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो एड्रेस शो कर रहा है कि डिलीवर्ड कहाँ पे करना चाहते हैं कार्ड को, तो मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल और एड्रेस पे क्लिक कर दे रहा हूँ
और कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 3 का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वीडियो KYC लेस देन 5 मिनट्स, नो फिजिकल KYC रिक्वायर्ड, अपलोड इनकम डॉक्यूमेंट्स टेक लेस देन 5 मिनट, कंप्लीट एज पर योर कन्वीनियंस, प्लीज कीप योर पैन कार्ड हैंडी। तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस इनिशिएट वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई इनकम प्रूफ बाय डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ लेटेस्ट 1 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए सबमिट डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने सब जो है डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया PDF में। अब यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं। योर क्रेडेंशियल आर नेवर स्टोर्ड, यहाँ पे इनकम डॉक्यूमेंट हो गया और यहाँ पे जो है सारा फिल हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं स्टेप बी वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं, KYC वेरिफिकेशन, प्लीज कंटिन्यू टू इनिशिएट वीडियो कॉल। अब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वी आर लुकिंग फॉर एन एजेंट, कंटिन्यू योर वीडियो KYC, प्लीज यू आर इन 1 क्यू, बी रेडी विथ स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ओरिजिनल पैन कार्ड, पैन एंड ब्लैंक व्हाइट पेपर, एम्बल कैमरा एंड लोकेशन सेटिंग। तो अभी मैं क्यू में हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए, नेट कनेक्टिविटी जो है स्टेबल होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, पेन एंड ब्लैंक व्हाइट पेपर चाहिए और एनेबल कैमरा माइक्रोपैन एंड लोकेशन सेटिंग्स। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी सोलंकी करके कुछ आ गया है, तो यहाँ पे देखिए अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अलाउ करेंगे। यहाँ पे अलाउ करना है और यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। अभी ये वीडियो कॉल के मींस KYC होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू स्टार्ट KYC, तो मैं यहाँ पे अभी कर लेता हूँ जी। जी ठीक है। क्या अपने के साथ ओरिजिनल पैन कार्ड, पेन और वाइट पेपर रखा है? जी है सर। एप्लीकेशन सर आपके स्क्रीन पर आपको हरे कलर का लोकेशन आइकॉन नजर आया होगा, सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका लोकेशन है। झुमरी के लिए है। अच्छा, ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है? जी। ओके सर, अभी मुझे आपका पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। कैमरे के लिए इसकी तरफ देखिए, आपके आंखें बंद मत कीजिए और आपका जो चश्मा है एक मिनट के लिए निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू, योर वीडियो KYC वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो है मेरा वीडियो KYC कंप्लीट हो चुका है। मैंने अभी आपको दिखा दिया वीडियो में कि कैसे वीडियो KYC किया जाता है। कस्टमर केयर कॉल करते हैं वीडियो कॉल और वहाँ से आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है और साइन करके दिखाना पड़ता है, तब जाके आपका वीडियो KYC कंप्लीट होता है। आपका फेस का जो है कैप्चर किया जाता है, आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 to 15 days लग सकता है कंप्लीट होने में। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अमेजन पे क्रेडिट कार्ड को। कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, जब मैंने कार्ड अप्लाई किया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने अमेजन के थ्रू से ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रिसीव लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो चुका है, वी हैव रिसीव योर डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे 2 प्रोसेस और बाकी है, जैसे कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, कार्ड अप्रूवल। ये होने के बाद जो है मेरा कार्ड अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद मुझे 15 दिन के अंदर कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद मैं इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगा, इस कार्ड को लेने के बाद क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, सारे डिटेल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कमेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।